आज हमारे कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष और हमारे चाहते नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और भूतपूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और यहाँ पर पधारे हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण और खासकर इस जो घोषणा पत्र को तैयार किए श्री पीसी चिदंबरम जी, केसी वेणुगोपाल जी और सारे वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, मीडिया के मेरे दोस्तों, आज मुझे ये भी याद करना है कि बाबू जगजीवन राम का जन्मदिन भी है और जो बाबू जगजीवन राम हमारे पार्टी में बहुत साल तक 1947 से लेकर 1984 तक को इस पार्टी में रह के काम किए, फिर जो कुछ उनका कंट्रीब्यूशन था ये बड़ा कंट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री में उन्होंने किया। ऐसे दिन आज हम ये घोषणा पत्र गरीबों के लिए हम अर्पित कर रहे हैं। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। इस मौके पर मैं आप सभी का स्वागत करते हुए 22 दिसंबर 2023 को जो चिदंबरम जी की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी बनी थी और 19 मार्च को CWC ने इसे मंजूरी दी थी। व्यापक जनभागीदारी और संपर्क के बाद हमारा घोषणा पत्र बना है। इसके लिए वेबसाइट आवाज भारत की बनी, जिस पर भी काफी सुझाव मिले। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहां पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, खासकर युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप के साथ पक्की हो जाए, ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं और उसके लिए हम 1 लाख रुपए
एक अप्रेंटिसशिप कोर्स करने वालों को खर्च करेंगे और इससे ये फायदा होगा किसी ना किसी जगह उसको पक्की नौकरी मिलेगी क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के तहत और बहुत से इंडस्ट्रीज में इनको काम मिलेगा। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है। गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी कानून की गारंटी भी हम देंगे। और श्रमिक न्याय, इसके तहत मनरेगा में भी 400 रुपए के न्यूनतम, कम से कम 400 रुपए मजदूरी दिया जाएगा। हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना होगी जिससे सबको फायदा होगा, या किसी के फॉर में किसी के अगेंस्ट में ये नहीं है कि हालात को समझने के लिए ये जातीय जनगणना करेंगे। जैसा कि SC ST की जातीय जनगणना होती है और वैसा ही जो पिछड़े लोग हैं और भी ये अपर कास्ट में भी गरीब लोग हैं, सबकी हालत क्या है ये जानने के लिए हम जातीय जनगणना कराएंगे और इसका फायदा हर वर्ग को मिलेगा। हमारे घोषणा पत्र में संवैधानिक न्याय कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस खंड में लोकतंत्र बचाओ, भय से मुक्ति से लेकर मीडिया, न्यायपालिका आजादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जैसे मुद्दे, कला संस्कृति जैसे विषय भी है। आर्थिक न्याय इकोनॉमिक जस्टिस खंड में आर्थिक नीतियों, बेरोजगारी, टैक्सेशन और टैक्स रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें उसमें हम लाएंगे। इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ठोस काम हम करेंगे। राज्य न्याय, जस्टिस फॉर द स्टेट्स, मैं संघीय विकास, पूर्वोत्तर भारत पर रोशनी हम डाले हैं और जहां कहीं भी फेडरल स्ट्रक्चर को धोखा होगा हम उस वक्त अपनी आवाज उनके साथ भी उठाएंगे और जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो उनको बराबरी का हिस्सा देंगे और ताकि वो पैसे के लिए तरस ना हो, चाहे वो ड्रॉट हो, फ्लड हो, डिसास्टर्स हो, इसके लिए नेचुरल डिसास्टर्स, इन सब के लिए फेडरल गवर्नमेंट को कानून के तहत जो मदद मिलना चाहिए वो हम जरूर उनको दिलाएंगे। उसी के साथ देश की प्रतीक्षा और आंतरिक सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर रक्षा न्याय की भी खंड है जिसमें विदेश नीति भी है और विदेश नीति हमारी अब तक सफल हुई है और उसी नीति पे अगर ये लोग काम करते थे और ठीक ढंग से चलते थे और बहुत से मुश्किल हमको आज जो आ रहे हैं वो कभी नहीं आते थे। तो इसीलिए हम अपना रक्षा न्याय का देश की रक्षा के लिए पूरा हम काम करें।